एक मुक्तक के माध्यम से मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, फिर ईद का त्योहार मनाया नहीं जाता, ता उम्र कसकेगा चुबन बन के जिगर में, भैया दीपक तेरा प्यार भुलाया नहीं जाता, भुलाया नहीं जाता। परोसीन मेरे सारे कवि मित्र और ये नीचे जो हमारा परिवार बैठा है फेवा का, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, होली की मंगल कामनाएं देता हूँ। और ये सारे मित्र बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं होता, ये जिसकी पेमेंट कम करनी होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय बता देते हैं, है ना। बहरहाल बेटा इसकी आवाज़ तेज़, इसकी भी खोलना चाहिए। ये भाई हमारे देवेंद्र गोड़ आए थे अभी मेरे से पहले, बता रहे थे कि दीपक जी मेरे बारे में बता रहे थे कि कवियों का टिकैत हूँ मैं। अगर मैं इनकी नज़र में कवियों का टिकैत हूँ तो आप ये समझ लीजिए ये वो उपद्रवी बालक है जिसने लाल किले पे बिना मेरी इजाज़त के झंडा फहराया है। देखिए अभी वो कार्ड में मैं देख रहा था कृष्णपाल जी आने थे, अभी पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन आप जितनी देर यहाँ बैठे हैं आप किसी पार्टी का होकर मत बैठिएगा, श्रोता होके बैठिएगा। क्योंकि देखिए जो आपका व्यवसाय है उसमें आप ये नहीं पूछते कि मैं भाजपा ही कोई मकान बेचूंगा या भाजपा का ही खरीदूंगा, भाई सपा वाला भी तो खरीद सकता है, दो पैसे आपको मिल रहे हो तो क्या दिक्कत आ रही है। मेरे ये मित्र आए हुए हैं पीछे, सुनील भाई और जीतू भाई बैठे हैं अशोका इंक्लेव से, ये एक दिन मुझसे कहने लगे दीपक भाई हमें कविता लिखनी सिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं, जो मन में भाव आए लिख दो। तो अगले दिन मुझे मिल गए पार्क में, बोले हमने लिख दी कविता, कविता की एक पंक्ति। मैंने कहा क्या लिखा, बोले बस पड़ोसी के मकान की दीवार पे लिखाया मकान बिकाऊ। बड़ी दिक्कत होती है कई बार। देखो नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है कि आदमी तो नेता बन सकता है, ये देवेंद्र जी हमारे बहुत अजीज हैं और बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मैं तो कई बार डरता हूँ इतनी जोर से माइक पे बोलते हैं, मैं कई बार कहता हूँ भाई कोरोना चल रहा है थोड़ा आराम से, दिक्कत हो जाएगी। ये वैसे तो ओजस्वी वाणी की बात करते हैं लेकिन कभी प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, इश्क में फेल हो गए तो वीरस पे आ गए। हर कवि प्यार मोहब्बत से शुरू करता है, मोहब्बत प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो वीरस पे आ जाता है। वो अभी जिस लड़की को ये प्यार करते थे साहब, गलती से उस लड़की ने मेरे पास फ़ोन कर दिया एक दिन, वो जानती थी मैं इनका बहुत खास हूँ, तो फ़ोन गलती से लग गया मुझसे। जैसे ही फ़ोन आया मुझसे कहने लगी देवेंद्र मुझे भूल जाना, मेरी शादी तय हो गई। मैंने कहा पर मैं तो दीपक बोल रहा हूँ। बोली तू भी भूल जा और उस कमीने को भी बता दियो। बड़ी सारी दिक्कतें हैं पर आइए, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साथ से, शादी वाले दांत से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। मुझे याद है मैं अशोका इंक्लेव में रहता हूँ, वो मेरे पड़ोस में किसी की मौत हो गई तो मेरे पड़ोस में बड़े सारे डीलर और बिल्डर रहते हैं, नाम भी बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे, मैं रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाह रहा, वैसे ही मेरे 2-4 हज़ार अटके हुए कमीशन के वहाँ। हाँ तो एक पड़ोस में मौत हो गई, साथ में प्रॉपर्टी डीलर भाई भी है, तो उसका भी कोई पुराना लेन देन रहा होगा, तो हम लोग शमशान चले गए अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। वहाँ देखा जैसे ही वो उसको पंडित जी दाह संस्कार करवाने की मुद्रा में आए तभी एक आदमी अचानक बोल पड़ा, बोले 4,000 रुपये 4,000। पंडित जी ने पूछा बोले तेने मरने वाले से लेने थे, बोले ना जी मैंने तो देने थे, जीते जी दे नहीं पाया। पंडित जी बोले ठीक है अब इसके सिर के नीचे फंसा दे, 2-2 हज़ार के दो नोट निकाले, भाई ने 4,000 रुपये फंसा दिए। अब वो एक जैसी आग फिर आगे बढ़ने लगे दाह संस्कार की क्रिया में, तो फिर एक आदमी चीख पड़ा बोले 6,000 रुपये 6,000। पंडित जी ने उससे ही पूछा तेने मरने वाले के देने थे लेने थे, बोले जी मैंने भी देने थे, मेरे पाप चढ़ जाएगा साला सपने में आएगा काय को करूं। बोले अच्छा तू भी लगा, पंडित जी को तो मजा आ रहा था, बोले मरे जिए के सब बराबर है, बोले तू भी लगा 6,000। उसने भी लगाए, अब वो मुर्दे के सिर के नीचे 10,000 रुपये। तो मेरा पड़ोसी जो था प्रॉपर्टी डीलर उसने भी शुरू कर दिया अपना ड्रामा, बोले 10,000 रुपये 10,000 रुपये। तो पंडित जी ने पूछा पहले तेने देने थे लेने थे, बोले जी मैंने भी देने ही थे।
बोले अच्छा, बोले नहीं मैंने देने थे। तो पंडित जी ने कहा तू भी लगा। अब वो मेरा जो साथी था प्रॉपर्टी डीलर, उसने जेब से चेकबुक निकाली, मरने वाले के नाम पे एक चेक भरा, 20,000 रुपए भरे, वो चेक उसके नीचे और जो 10,000 कैश थे वो जेब में। तो कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन आनंद लो। देखो कोरोना में सबके साथ दिक्कतें हुई, हमारे साथ भी हुई, हमारे भी उतने कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पर रहता अंत तक रहता आज के कार्यक्रम में, लेकिन एक अन्यत्र कार्यक्रम है, एक कॉर्पोरेट इवेंट है, वहाँ जाना है, तो क्षमा के साथ मैं अपनी वानगी पूरी करके जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आदमियत का शजर जिंदा रखो। कोरोना ने क्या सिखाया, शजर कहते हैं पेड़ को दोस्तों, आदमियत का शजर जिंदा रखो, आदमियत का शजर जिंदा रखो, अपने भीतर का बशर जिंदा रखो। बशर कहते हैं आदमी को, शजर कहते हैं पेड़ को। आदमियत का शजर जिंदा रखो, अपने भीतर का बशर जिंदा रखो, खुदकुशी करने को गम उकसाएंगे, जिंदा रहने का हुनर जिंदा रखो, जिंदा रहने का हुनर जिंदा रखो। और साहब जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है, सच बयानी साफ कोई नेक नियत आदमियत, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे। तो साहब कैसी भी स्थिति आ जाए ये सारी बीमारियां पाले रखना, जिंदगी बड़ी स्मूथली कटेगी। तो अब वहीं पर आता हूं उसी धारा पे कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साथ से, शादी वाले दाँत से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास में साला 6 महीने धंधा नहीं होगा पर कोई कस्टमर आ जाए गलती से, भाई फोन ऐसे, हाँ वो 2 BHK का क्या कराते ने, वह जमीन दिखाई ना दिखाई उसके पैसे, अबे काय को बतौल कर रहे हो यार। झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, सिफारसी सम्मान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। तो बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। वैसे भी अपने देश में तो हंसी के इतने अवसर हैं, आपकी दृष्टि चाहिए। आप देखो वो अभी पिछले दिनों, मैं थोड़ी लतीफेबाजी भी कर लेता हूँ क्योंकि माहौल थोड़ा सा मांग रहा है। वो अभी पिछले दिनों यशदीप, एक जापानी आ गया हमारे देश में, एयरपोर्ट पर उतरा, उसने वहां से टैक्सी पकड़ी, फरीदाबाद रेडिसन में आना था। जापानी ने टैक्सी पकड़ी, जैसे ही टैक्सी पकड़ी फर्राटे से एक होंडा कार उसके आगे से निकली, तो जापानी ने कहा ओ होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। टैक्सी वाले ने सुना और चलता रहा। आगे टोयोटा निकली तेजी से, जापानी ने फिर कहा ओहो टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। अब वो रेडिसन फरीदाबाद आया, बोले कितने पैसे, बोले 2,500 रुपए, बोले इतने ज्यादा, बोले मीटर मेड इन इंडिया वेरी फास्ट। तो अपना देश तो ये है। अंतर्राष्ट्रीय कर रहे थे साहब, बड़े सारे दोस्त पूछते हैं, बोले यार तुम तो बाहर जाते हो डॉलर छाप के लाते होगे, लेकिन हम क्या लाते हैं, आइए वहीं से बात करता हूँ, थोड़ा सा समावेश सभी का कर लेता हूँ रंगों का। और ये मैं देवेंद्र भाई से कह रहा था और मेरी आयोजकों से भी अपील थी कि ये कार्यक्रम जो आपका तबका है जिस दृष्टि से देखा जाता है, हालांकि अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग हर समाज में होते हैं, कवियों में भी होते हैं, सच बता रहा हूँ, हमसे भी कई लोग पूछते, बोले साहब ये जो कविता पढ़ते हैं ये तो पी खा के पढ़ते हैं, वरना माइक पे ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता। मुझसे भी कई बार लोग पूछते हैं, बोले आप भी पीते हैं क्या, तो मुझे बताना पड़ता है, बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं जी हम पीते हैं, लेकिन हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। इस कार्यक्रम को दोपहर में मत किया करो, क्योंकि कुछ कवि भी गालियां दे रहे थे पीठ पीछे,
कह रहे थे यार टाइम गलत है, प्रोग्राम तो ठीक लोगों का है, पर रात 8 बजे शुरू होता तो थोड़ा ठीक रहता। इनकी भावनाओं को समझो, क्योंकि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। तो साहब मान कमाने निकले थे, मान कमाने निकले थे। अच्छा मैं बताऊं, और वो मेरे पड़ोस में तो सारे वो ही भरे पड़े हैं, सच बता रहा हूं आपको। वो अभी पिछले दिनों मेरा दोस्त है डीलर, सो रहा था अपनी पत्नी के साथ, शरीफ डीलर है इसलिए अपनी वाली के साथ ही सो रहा था। नहीं नहीं वो होता है कई बार, क्या एक्चुअली क्या है जीतू भाई, शादीशुदा आदमी चाहे वो डीलर हो, कवि हो, या कोई भी XYZ हो, भारतीय शादीशुदा आदमी की फितरत होती है कि वो अपनी पत्नी को FD फिक्स डिपॉजिट समझता है और बाहर करंट अकाउंट चालू खाते खोलने के जुगाड़ में लगा रहता। तो मेरा दोस्त सो रहा था अपनी पत्नी के साथ, अचानक शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुल गई। आंख खुली तो हमारी भाभी ने कहा, बोले जाके देखो जरा क्या माजरा, क्या हो गया। तो भाई बाहर गया, देखा जाके मोहल्ले के लोग खड़े थे, बोले क्या हो गया, बोले कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सावधान रहना, सूचना ये मिली कि कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया, जरा सावधानी देख लेना। अब वो भाई सुन के अंदर आया, पत्नी ने पूछा उसकी, बोले जी क्या था, बोले कुछ नहीं, शराब पी के बेवड़े शोर कर रहे हैं, तू तो पानी पी के सो जा। तो ये मामला है, लेकिन साहब मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे सामान। अच्छा एक हिदायत और, हिदायत का मैं एक मशवरा मित्रवत देना चाहता हूं। हम लोग बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनमें मत आया करो। उसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं शेर के हवाले से, कि मान कमाने निकले थे सामान बचाकर लौटे हैं, जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे सामान बचाकर लौटे हैं, जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं, और उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे हैं, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे हैं। और कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं, कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे हैं, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान साहब मैं आपको बताऊं कि कैसी आजादी है यहाँ, कैसी आजादी है यहाँ। वो जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र, बड़ी संवेदना की कविताएं भी करते हैं, वो बात अलग है कि माहौल ऐसा है कि हमें थोड़ा हल्का फुल्का आपके बीच में सुनाना पड़ता है। सभी कवि पारंगत हैं, हर विधा में लिखने में सक्षम हैं। आजकल आप देखिए रोज कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। होली का मतलब वो राधा कृष्ण का प्यार, वो सारी मोहब्बतें, लेकिन आजकल मोहब्बतें रह का गई, वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, कितने नादा हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, कितने नादा हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। और लोगों के तो जहन तक में भी भरी विद्रूपता है, और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं, और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं। तो साहब आइए, प्यार मोहब्बत अभी हमें करनी नहीं आती। अभी ये क्या है, बड़ा कोरोना आया तो टेम्परेचर मशीन, जहां भी जाओ टेम्परेचर मशीन, स्वस्थ आदमी के साथ भी 10 बार अगर कोई वो चेक कर ले तो वो खुद ही बीमार हो जाए रात तक। सच बता रहा हूं, 10 बार स्वस्थ आदमी को चेक कर लो, मानसिक रूप से बीमार हो जाए, बोले साला कुछ हुआ है नहीं ये और कर देंगे। तो हमारे यहाँ वो क्राउन इंटीरियर मॉल है साहब, क्राउन इंटीरियर मॉल के बाहर की घटना बता रहा हूं, कि शॉपिंग मॉल के बाहर महिला कस्टमर के माथे पर सिक्योरिटी गार्ड ने रखी टेम्परेचर मशीन। शॉपिंग मॉल के बाहर महिला कस्टमर के माथे पर रखी सिक्योरिटी गार्ड ने टेम्परेचर मशीन, बोला ए हसीन यू आर सो हॉट, बोला ए हसीन यू आर सो हॉट। महिला भी बोली ऑन द स्पॉट, आपने कहा मुझे हॉट, आपका आभार है। सिक्योरिटी गार्ड बोला बावली हॉट का मतलब तने 102 बुखार है।
ये हो गया। अच्छा मैं बताऊं, कोरोना भी क्या बवाल आया साहब हमारी जिंदगी में। साला पहले साबुन से हाथ धो, फिर उस साबुन को सैनिटाइजर से धो, फिर उस सैनिटाइजर को फिनाइल से धो, फिर उस फिनाइल को दोबारा साला सैनिटाइजर से धो। ये लीवर को भी नहीं पता था कि कोरोना काल में साले तुझे इतनी दारू नहीं मिलेगी जितने तेरे हाथों को मिलेगी, नहीं रगड़ रगड़ के। लेकिन आइए हम एक दो कविताएं मैं सुना देता हूं आपको छोटी छोटी, और आपको स्वस्थ रहना हो तो मैं सच बता रहा हूं आपको, आप ये मीडिया के न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनी खेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनी खेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लबरेज मिलेगी, कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो। एक छोटी सी कविता और दो चार पंक्तियां सुना के मैं विराम देता हूं, बहुत सारे मित्रों को सुनना है। देखिए जैसा कि आपने सुना और हमारे रामबाबू भाई ने भी बताया शिकरवार जी ने, कि हम लोग कभी किसी दल के नहीं हैं, लेकिन हम जहां पर दलदल देखते हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। एक कविता देता हूं, विशुद्ध श्रोता और विशुद्ध भारतीय होके सुनना, होली के अवसर पर मैं शायद कुछ अच्छा सुना दूं, कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं। सुनिएगा कविता को, कविता की तरह से सुनिएगा, कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं। ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दम, क्यों साला देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी है, टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल ले, पर देशभक्ति इतनी कि देश सेवा करके मानेंगे भाई। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया, मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। और मैं तो हमेशा सत्ता हो या सत्ता के बाहर के लोगों, हमेशा ये कहता हूं भाई ये गलत फहमी है केवल आपकी, ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, कभी चेताने का प्रयास करता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी कविताएं सुन सुन के आम आदमी ने सुनी, आम आदमी पार्टी के नहीं, आम आदमी ने, हाँ मतलब आपको मैं इसलिए संशोधित कर रहा हूं, कहीं आप धारा में बह जाओ राजनीति वाली में, हाँ सच बता रहा हूं भाई। मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण पाल जी के भी प्रोग्राम करता हूं, विपुल के भी करे, मैंने तो साला गिरिराज के भी करे, और जो हारे जीते सबके करे, क्यों सबसे आत्मीय भाव में मेरा काम है। ढोल बजाने वाले को कोई मतलब नहीं, कोई हारो कोई जीतो, उसका तो लिफाफा पक्का होना चाहिए। ये गलतफहमी है केवल आपकी, और हम तो वो लोग हैं साहब जो मनुष्य से मनुष्य स्थिति में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। पिछले दिनों मैं और देवेंद्र भाई गए, अभी वो सेक्टर 55 के पास शमशान में इनका कोई पड़ोसी गुजर गया था कोरोना से, तो मैं गया तो वहां पे जाके 6 मन लकड़ी लेनी थी दाह संस्कार के लिए। लकड़ी मुझे लगा ये रेट कुछ ज्यादा बता रहा अंदर शमशान वाला, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, मैंने कहा ठीक ठीक लगा ले, हम तो हर हफ्ते आते हैं। इन्हें भी उन दिनों खांसी हो रही थी, मगर देख चाचा की भी तबीयत ठीक ना चल रही, हो सके जल्दी भी आ जा, कई बार होता है। तो ये गलत फहमी है केवल आपकी। देखो लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ, तो कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की, छांट लेना। तो आइए एक छोटी सी कविता सुना देता हूं और दो चार पंक्तियां, और कोरोना और आज के उल्लास के वातावरण के संदर्भ में सुनाता हूं कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है, इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर व्यापारी हो जाता है।
किसी का नाम नहीं है, यही कविता है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर व्यापारी हो जाता है, और कई बार इन सभी रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। कई बार इन सभी रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है, लेकिन ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं भाड़ में। लेकिन ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो ये राजनीतिक दलो बाहुबलो सनीचरो अब तो टलो, तो ये राजनीतिक दलो बाहुबलो सनीचरो अब तो टलो, भले तुम एकला चलो और अपने अपने रंग के झंडों को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाओ, लेकिन इन सभी रंगों को एक छत्र यानी तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। और आइए चलते हुए केवल इतना मैं गा के पढ़ दूं, कुछ गा के पढ़ देता हूं, कुछ सुनिएगा मेरी आवाज को, आप ऐसे ही सुनिएगा जैसे पुरुष स्वर में ऊषा उत्थप गा रहा है। क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में, क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में, बस सभी को हौसला देते रहे घर काल में। क्या करें क्या ना कर, क्या है आपका परिवार फेवा, क्या है एक दूसरे भाई की हिम्मत बढ़ाना, कवि क्या है एक दूसरे भाई की हिम्मत बढ़ाना, और हमारी जिम्मेदारी अतिरिक्त है पूरे समाज की हिम्मत बढ़ाना कि क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में, बस सभी को हौसला देते रहे घर काल में। क्या करें क्या चार दिन की, देखिए क्या कितनी चीजें, क्या क्या अनुभव प्रतीकों के माध्यम से, चार दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, चार दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, दो कमाने में कटे हैं दो कटे हड़ताल में, दो कमाने में कटे हैं दो कटे हड़ताल में। क्या करें क्या, और लोग कह रहे हैं वक्त बुरा है, भाई वक्त बुरा नहीं है, लोगों की नियत बुरी है। सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, बुरा नहीं है, वक्त का जो गीत है ये धीमा है, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, पर यकी गए जल्द ही आ जाएगा सुरताल में, पर यकी गए जल्द ही आ जाएगा सुरताल में। और आखिरी, जिस भी ईश्वर की इबादत प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहे, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहे, जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, बस सभी को हौसला दे तेरा घर हाल।